इंडियन बैक डॉमेट्री में आ चुका है एक खतरनाक सी सैंड स्टोन। नहीं, हमारे शहर में आ चुका है सैंड स्टोन। ये इतनी खतरनाक है, पूरे शहर को तबाह करके ही मारने वाला है। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, हमने कुछ जानते हैं क्या भाई। अरे भाई ये कौन, क्या चीज का आवाज है? अरे भाई ये तभी आवाज आती है जब अपने शहर में कोई खतरनाक सी कोई मॉन्स्टर या कोई तूफानी हवा चलती है। लेकिन यार ये तो काफी जोर जोर सी आवाज कर रही है, मतलब यार इतनी रात को कुछ तो अपने शहर में हो रहा है तभी ये आवाज करती है। जो कि अपना हेयर फॉल्ड घंटी है, जो कि जब भी कोई खतरनाक सी कोई भी मॉन्स्टर अपने शहर में आ रहे हो तो ये अपने ही आवाज करता है, हॉर्न करता है। तो भाई ये तो काफी खतरनाक सी आवाज आ रही थी, भाई चलते भाई यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। इसकी लाइट पास भी आ चुके हैं, भाई इसका लाइट तो जल रहा है, इसके मतलब यहाँ पर कुछ तो अपने शहर में अटैक या कोई तो खतरनाक चीज होने वाला है। और इतने से नहीं, पूरा खतरनाक मॉन्स्टर या कुछ तो आने वाला है। चलो भाई न्यूज देख लेते हैं भाई अपने शहर में क्या होता है। ये तो अपने न्यूज में अपने ही शहर तो दिखा ही रहा है, लेकिन यार ये तो कुछ रेत से अपने शहर में आ रहे भाई। अरे ये तो रेत का तूफान लग रहा है। अरे भाई यानी कि सैंड स्टोन। भाई यार हमको पता था रात को ही कि अपने शहर में कुछ तो होने वाला है। तो भाई चलते भाई जेट से देखते हैं ऊपर जाके क्या सच में ये आ रहा है अपने शहर में कि किसी और शहर में चला गया। तो भाई चलते भाई जाके देखते हैं। भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा वास जम चुकी है भाई, क्या ही बताएं। चलो भाई यहाँ रोके चलते भाई, इतनी वास में क्या जेट चल सकता है कि नहीं। चलो भाई देख ही लेते हैं। भाई यार क्या ही बताएं भाई, अपने शहर में स्टोन जैंड स्टोन आ गया है भाई, आ गया है ना, मतलब आने वाला है। तो गाइस इसलिए हम जाके देखने वाले हैं कि आ गया है कि आने वाले हैं। भाई इतनी वास में और कुहासा में अपने जेट चल सकता है कि नहीं भाई। यार आसपास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई दूर दूर तक, भाई क्या ही बताएं यार, खाली वास ही वास है। चलो गाइस यहाँ से तो कुछ तो, अरे यार पहाड़ों पर आ गई भाई, थोड़ा ऊपर ले ऊपर ले। अरे भाई अरे ऊपर ले, अरे बचा गाइस बचा। यार इतनी वास में जेट चलाना तो काफ़ी मुश्किल हो चुका है भाई, क्या ही बात है यार। भाई साहब यार इतनी, ओ माय गॉड, ये सच में आ चुका है भाई तूफानी रेत, भाई क्या ही बताएं। और इसके अंदर, अरे यार भाई बचा यार, ये तो काफ़ी खतरनाक भूकंप है यार, क्या ही बताएं। तो यार चलो भाई यहाँ से चलो भाई यार अपने शहर चलते भाई, और सारे लोग को बता रहे हैं कि अपने शहर में आने वाला है सैंड स्टोन स्टोक, भाई काफ़ी खतरनाक है। और साथ में ही अपने शहर में आने वाले हैं खतरनाक सी रेत, भाई जाइंट रेत आने वाला है, तूफानी रेत। तो गाइस चलते भाई अपने शहर, भाई क्या ही बताएं, यहीं से पलन अपना रोड से ही लेके जाना पड़ा क्योंकि इतने कुआस में तो लैंड करा नहीं पाएंगे, तो अपना रोड से ही अपना जेट लेके जाना पड़ा। तो लास्ट उपाय यही था कोई साथ। चलो भाई कोई बात नहीं, एयरपोर्ट के जस्ट पीछे रख लेते हैं। चलो यहाँ तो नहीं रखने वाले हैं क्योंकि हम इसको बार बार लेके जाएंगे ना, तो इसलिए भाई इसको साइड में रख लेते हैं, तब ही चलते हैं ठीक है। चलो भाई यहाँ से चलते हैं भाई। अरे यार चलो यहाँ से चलने में थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो जाएगा ना। चलो भाई चलते हैं जाके देखते हैं कि अपने शहर में भाई। ओर राइट गाइस, यार जैसा सुधा औसा ही अपने शहर एक रेगिस्तान जैसा बन चुका है गाइस। यहाँ रोड के नीचे देखो भाई रेत ही रेत पड़ा हुआ है भाई, और साथ में यह बस यहाँ पानी में ही नहीं गया है और साथ में ही सगर चला ही गया है भाई। यार ये क्या हो गया भाई, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई साहब। यार चलते हैं थोड़ा आगे, यार उस जगह आ चुके हैं अपने शहर के सबसे ऊँचे जगह जो कि भाई अपना है रेत की जगह। और इस जगह दलदल बहुत है क्योंकि हम इस जगह बाइक भी नहीं लेके जाने वाले हैं, नहीं तो जहाँ लसक जाएगा तो निकालना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाएगा यार। कोई बात नहीं भाई चलते हैं धीरे धीरे से यार। भाई चलो भाई, वो भाई यार सबसे ऊपर भाई, अरे गिर मत गिर। चलो भाई बचा यार, अरे वो क्या है यार,
ये तो भाई हमें तो जाना पहचाना सा बिल्डिंग तो दिखाई पड़ रहा भाई, और ये तो सैंड कासल भाई, इस साल में भाई उड़ के तो इजली नहीं आने वाला है, किसी तो मोस्टर का ही काम होगा शायद से। लेकिन यार हमें तो ये बात तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई कि भाई एक दिन में ही एक सैंड स्टॉक कैसे बन सकता है भाई। यार भाई साहब चलते भाई ऊपर देखे थोड़ा, हाँ यहाँ से अभी ऊपर फ्लोर पर जाने वाले ना, तो गाड़ी पीछे थोड़ा घसको पीछे पीछे, बस यहाँ से मारते हैं थोड़ा सा तगड़ा जब। चलो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं और ही थोड़ा सा यहाँ से और भी मारते, नहीं नहीं चलो थोड़ा पीछे पीछे पीछे, चल यहाँ से और भी थोड़ा जंप मारते हैं। चलो 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 और मारते हैं मारो, और राइट गाइस यहाँ पर भी आ चुके हैं और साथ में ही हम आ चुके हैं। अरे ये कौन सी पत्थर है भाई, ये तो नॉर्मल पत्थर नहीं है भाई। यार चलो लेकिन यार बहुत देर से देख रहा हूँ भाई, ये हिल क्या रहा है। अरे भाई पत्थर भी हिलता है क्या भाई, अभी तो समझ में इसके बारे में नहीं आ रहा भाई, क्या ही बात है यार। भाई साहब ये तो कुछ हिल रहा है, अरे ये तो भाई, अरे अरे कब से देख रहा हूँ भाई, ये तो पत्थर हिल ही जा रहा है। अरे 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 ओ रे भाई साहब, अरे भाई ये तो कोई मोस्टर लगा, ये सैंड स्टोन का है भाई, सैंड स्टोन मोस्टर भाई। भाई भाग भाई फ्रेंडकिन भाग, निकल निकल निकल, जहाँ देख रहे का भाई चटनी बना देगा भाई, निकल निकल। चलो गाइस यहाँ से तो बच चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पूरा ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, क्योंकि भाई अपने शहर में आ चुका है सैन स्टॉक और साथ में ही एक रेत जो कि है पूरा जाइंट रेत, और साथ में पूरे सीटू को भाई। चलो भाई यार वहाँ, ओ भाई रेत का तूफान भवंडर भाई, रेत का भवंडर अपने शहर में भाई साहब। चलो गाइस देखते हैं, ये तो रैंप के चैलेंज के पास है ना, तो गाइस वहीं चल के देखते हैं भाई क्या हो रहा है भाई। यार भाई जितना सोचा सर उससे भी ज़्यादा तूफानी अपने शहर में आने वाला है। अरे ये रहा ये रहा, चलो इसको अंदर, ये बटन क्या चीज़ का है हाँ, अरे ये तो बटन क्या चीज़ का है भाई, कब सा देख रहा हूँ। चलो अरे ये तो कहूँ जाने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ओ भाई ये तो यहाँ लेके आ गया साथ में भाई, ओ भाई ये तो हाउस नहीं, अरे भाई अपने जैसा हाउस है ना। अरे यार चलते भाई यहाँ से थोड़ा थोड़ा, कौन सी रास्ता में जाऊँ जो कि सही है। अरे यार ये तो गलत रास्ता नहीं, नहीं सही है सही सही है सही है सही रास्ता, अरे भाई गलत रास्ता है यार, अब कौन सा रास्ता में जाऊँ, यहाँ पाँच दरबार है भाई, कौन सी दरबार रियल है ये गलत है, यहाँ से सही सही होगा। और राइट गाइस यहाँ से थोड़ा सही है, पूरा तो बता नहीं सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है, तो यार भाई धीरे धीरे चलेंगे कोई दिक्कत यार क्या ही बताएं। चलो गाइस यहाँ से थोड़ा 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 भाई पीछे, अरे पीछे ले पीछे ले पीछे ले, नहीं ठीक है ठीक है यार, कैसे जाएँ उस जगह यार, पंखे तो यार काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रही भाई। अरे यार पीछे ले थोड़ा थोड़ा भाई, बस बस यहाँ धीरे धीरे चलो चलो, नहीं नहीं यार इस बारे भी रैम थोड़ा, यार भाई कोई बात नहीं फिर से एक बार ट्राई करेंगे, यार कौन सी रैम चले भाई क्या ही बताएं, सारा रैम भाई गलत था रे यार, फिर से गिर गए, कौन सी रैम चले। चलो भाई ये सबसे जो लास्ट में जो रैम दिखाई पड़ रहा है ना वहीं पर चल देना थोड़ा, हाँ ये शायद से सही हो सकता है भाई, सब तो रैम सारे तो खराब मतलब, अरे यार ये भी ख़त्म था, अब कौन सी, चलो भाई यार यहाँ से जंप मार डायरेक्ट मार लो। चलो अब भाई ये भी रैम भाई खराब मतलब ऐसी था यार, फर्जी था फ्लॉप था। चलो भाई वो बड़ा लास्ट आपको लगता ही सही होगा शायद से, अभी लास्ट ही ऐसा ही लगता है। चलो भाई ओवर राइट गाइस, आओ भाई बचाओ भाई, सही भाई ये लास्ट वाला रैम बिल्कुल ही हमें लिए परफेक्ट ही था, परफेक्ट ही था ठीक है। अरे यार ये फोन किसका घुस रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फोन को मारते हैं गोले तो अपना मिशन जारी रखो। चलो यहाँ मारे जंप भाई, फिर से मारे जंप, अरे यार कोई बात नहीं, चलो भाई चलते हैं यार, क्या ही बताएं भाई इतना ही खतरनाक रैंप है भाई, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं प्रयास करके मारते हैं गंदा जंप भाई, ये ले यार हो जा, अरे यार भाई मरते 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 बचे भाई यार, और अभी तक घोलते ही थे यार भाई, कुछ तो हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा,
नहीं तो भाई ऐसे ही मरते जाएंगे और मेरा खून सूखता जाएगा। तो चलो भाई इस मैंने हेल्थ वाला चीट कोड लगा लेते हैं, क्योंकि हम मरे ना जहाँ नीचे गिरे तो कोई बचने का उपाय है नहीं। तो हम चलते हैं भाई अपना निंजा चेनार से। चलो भाई यहाँ से चलते हैं भाई अपना निंजा निंजा जेट यार क्या बोलता है कामा से अरे पता फक निकल। चलो भाई चलते भाई यहाँ से भाई थोड़ा सा जंप हो जाए तगड़ा सा तो काम बन ही जाएगा, नहीं तो यार क्या ही बोले। ओ भाई यार रट फिर से वही हाल हो गया। तो भाई हमें ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा गैप लेके एकदम से थोड़ा तगड़ा सा जंप चाहिए तभी हमें तो काम हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई चलो तो भाई चल तो भाई यहाँ से जंप मारते हैं गंदा सा भाई क्या ही बताएं। ओ भाई चल चल अरे यार क्या ही बताएं अब क्या हो गया। लास्ट उपाय था मेरे पास जेट पैक ही, क्योंकि हम जेट पैक जहाँ जाते हैं थोड़ा मिशन करने के लिए तो हम जेट पैक ही साथ ही में ही लाते हैं। तो गाइस इसलिए बोलते हैं भाई जेट पैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ तक तो इजीली पहुँच गए लेकिन जहाँ बाइक रहता तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। तो कोई बात नहीं यहाँ अपना बाइक मंगा लेते हैं क्योंकि वहाँ से यहाँ ईजिली आ जाता है आपको ये सब पता है। तो चीट कोड है 3000 में तो आराम से आ जाता है कावासाकी जेरक्स टेनवार। तो गाइस यहाँ से चलते हैं भाई एकदम से तगड़ा से जब लगे भाई ये पंखे यार बचने का कोई उपाय तो होगा ना साइड से। अरे नहीं नहीं वो साइड दीवार था, यहाँ से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है दीवार से तो उसी साइड से जाना पड़ेगा ना। तो चलो भाई यहाँ से मार लेते हैं तगड़ा जंप। ओरे यार गंदा फिर से हो गया गंदा सा जंप। कोई बात नहीं यहाँ से चलते हैं। ओ यार अरे यार भाई परफ्यूट अरे अरे बचा भाई, लगता है पूरा आसमान ही लेकिन है रोड कुछ था। चलो यहाँ भी जंप मार लिए। अब भाई ये जो दिखाई पर ओट भाई आप लोग इतना खतरनाक से ओट देखो भाई भाई क्या ही बताएं इतना खतरनाक ओट भाई जहाँ फोर व्हीलर चल ही नहीं पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं भाई चलो भाई यहाँ से चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे। चलो 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 भाई चलो यहाँ से मारते हैं फिर से तगड़ा जंप। चलो यहाँ से मारते हैं और राइट आज के अपना भाई ये पंखी मत टकराना भाई पंखी से नहीं टकराना नहीं पता। ओ भाई ओट पे आ चुके हैं कोई बात नहीं धीरे धीरे चलो भाई धीरे धीरे चलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं एकदम से धीरे धीरे चलेंगे। अरे 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 पंखे रह भाई सही यार आज हमें पहली बार पंखी थोड़ा काम में दिया नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती। चलो भाई स्टार्टिंग तो आ चुका है। अरे यार भाई गंदा हो गया भाई गलत रास्ते पर पहुँच गए हमें दूसरे साइड वाला जो स्टार्ट दिखाते हैं वहीं जाएंगे। तो भाई चलो भाई हम एक ट्रिक लगाए हैं हम ऊपर पे ही क्यों ना पहुंच जाएं। चलो भाई सभी हम ट्रिक के मदद से हम छत के ऊपर आ रहे और राइट गाइस हम आ चुके हैं। ओ भाई साहब यहाँ तो सैंड का एक कमीज है भाई और ये नीचे आ रहे यार हमें वही है जो हमें यहाँ पहुँचाया था और हमें वही घर पे तक पहुँचाएगा। चलो भाई सैंड मनी लोग को लेके अभी यहाँ से चलते भाई और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना तो इसको भी लेके चलो। अरे अरे ये तो अपनी शहर है यार भाई नीचे मत फेंक भाई यार ये क्या है ये अपनी शहर अरे ये तो अपने हाउस में फेंक दिया और अपने शहर पूरे रेगिस्तान से भर गया है। पोस्टर भी आ चुका है भाई इससे। अरे भाई इसकी कमाल देखा भाई पत्थर कमाल लगा भाई इसके लिए पानी चाहिए भाई स्विमिंग पूल में रखा स्विमिंग पूल पास चलो भाई स्विमिंग पास भाई यार मर जा भाई मर जा सेन मोस्टर अरे पानी गिरा भाई मर जा। और राइट गाइस भाई मेरा भाई पानी नहीं मिलता सही टाइम पे भाई हमें पानी मिल गया नहीं तो क्या ही बताएं। चलो गाइस भाई थोड़ा राहत मिला भाई चलो। और राइट गाइस हमने पहले जैसा सिटी को बना दिया। अगर वीडियो एक कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लगे हाथ आप लोग दबा देना है और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं एक और ही बड़े वीडियो में। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करें। अगर वीडियो ये पसंद आए तो भाई लाइक करो। मिलते हैं कोरी बने न्यू वीडियो में तो बाय बाय।